इस कहानी से बच्चे और कमज़ोर दिल वाले दूर रहे। आज की ये कहानी है भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। उस हवेली के चारों ओर घना जंगल था और रात होते ही वहां से अजीबोजीब आवाजें आती थी। एक दिन शहर से आए तीन दोस्त, राहुल, मोहन और अंजलि, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका लेकिन वे नहीं माने। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और जगह जगह मकड़ी के जाल बिछे थे। उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात वहीं रुकेंगे। रात होते ही वह हवेली में दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। अंजलि ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, पर जब पलटी तो वहां कोई नहीं था। आधी रात को उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने हिम्मत करके आवाज का पीछा किया। आवाज उन्हें हवेली के तहखाने तक ले गई। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक तेज चीख सुनाई दी और अंजलि बेहोश हो गई। तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी एक महिला की थी जो कई साल पहले इस हवेली में रहती थी। उसमें लिखा था कि उसे उसके परिवार ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि वह उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती थी। तभी वहां अचानक एक परछाई दिखाई दी। वह महिला का भूत था जो अपने साथ इंसाफ चाहता था। राहुल, मोहन और अंजलि जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हुए। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और गांव के पुजारियों ने वहां पूजा करवाई। कहते हैं उसके बाद से वह हवेली शांत हो गई, लेकिन कोई आज भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हर जगह का अपना इतिहास और रहस्य होता है। कभी कभी इंसान लालच और क्रूरता की कहानियाँ इतनी गहरी होती है ना कि ये वे सदियों तक जिंदा रहती है। आई होप आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।